नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सेंटर फॉर गुरमीत रामदेव सिंह जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिवानी। कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? मैं शायद 13 इयर्स ओल्ड। कैसा माहौल देखा है आपने यहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल है, इससे हमें यहाँ कल्चर से हम अटैच रहते हैं यहाँ पर आने के बाद, और जो चीज़ हम बाहर नहीं सीख सकते हैं और शायद वो हम पेरेंट्स के थ्रू भी नहीं सीख सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर आकर सीखते हैं। बीइंग अ गर्ल आपको कैसा फील होता है यहाँ पर आके? सेफ्टी है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बिल्कुल सेफ रहते हैं, वैसे ही हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अफवाह लोग फैला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बचपन से आ रहे हैं, हमने आज तक जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ सेफ रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर फील होता है। मैम आप कह रहे हैं कि काफ़ी सेफ्टी है, क्या मानवता भलाई के बारे में संत जी ने कुछ सोचा है और कुछ कार्य किए हैं? हाँ, यहाँ पर अभी पिताजी आए थे तो हर किसी को ये बोला था कि हर किसी के घर में एक झंडा होना चाहिए जो हमारे देश को एक मोटिवेशन मिलता है जिसकी वजह से, और हर जगह हर एक पॉइंट पे एक टॉयलेट बनाने के लिए बोल के गए हैं पिताजी, और गाय के लिए रोटी निकालने के लिए बोले हैं, और निवाल जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको वही बात है कि हमें उनकी थ्रू इतने संस्कार मिल रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स शायद हमें एक टाइम पे बैठा के नहीं समझा सकते, वो सबको बिठा के एक बार में हमें सब चीज़ समझा देते हैं। मैम समाज में आज काफ़ी कुरूतियाँ हैं, तो क्या कहना चाहोगे? संत जी आते हैं तो उसमें बदलाव आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल, आप ये देखो जब हम उनके एक इशारे पे हम हर एक, कौन करता है आज के टाइम में? कौन इतना पैसा लगाएगा बाहर टॉयलेट बनवाएगा, किस कौन करवाएगा ये सब, है ना? लेकिन आज के टाइम पे उनकी एक आवाज़ में लोग हर जगह टॉयलेट बनवाने के लिए तैयार हैं और सब चीज़ हर चीज़ में डेवलप करने के लिए तैयार हैं वो। मैम आप कह रहे हो कि संत जी ने इतने कार्य करवाए, तो आखिर उनके जो नाम को खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? कोई जो अच्छा काम करते हैं ना उसके पीछे जनता खर, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो अच्छाई से जलता है ना, तो जो अच्छा काम करेगा ना उसके पीछे हर कोई एक बुरा इंसान ना लग जाएगा, और अच्छाई के सामने ना बुराई एक बार आती ज़रूर है, बुराई आगे अड़चन डालते हैं कामों में, क्योंकि वो सक्सेस होने नहीं दे सकता इंसान को प्रॉपरली, हर कोई किसी के खिलाफ रहता है। लेकिन यहाँ पर आके आप ये देखो कि हम किसी को जानते भी नहीं है फिर भी हम उनसे बात कर रहे हैं, क्यों? बस सिर्फ हमारे अटैचमेंट है कि हाँ भाई पिताजी के सेवादार हैं, पिताजी के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, वरना आप ये बताओ ना हमारे जो फैमिली मेम्बर्स भी हैं, फैमिली मेम्बर्स में भी कोई आपस में ठीक से बात नहीं करता, आज का टाइम ये है। लेकिन यहाँ पर इतनी संगत आती है, एक दूसरे से बातें करती है, एक दूसरे जुड़ी रहती है, प्रेम है, भाव है, बहुत अच्छा जो फीलिंग यहाँ पर आती है ना वो कहीं पर भी नहीं आ सकती। जो इंसान घर से परेशान होता है या फिर कहीं किसी चीज़ से भी परेशान होता है ना, यहाँ पर आके वो सब चीज़ हमें सुकून मिलता है, और उसके थ्रू ना हमें ये फील होता है कि नहीं सारे दुख दर्द यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। मैम यहाँ पर शादियाँ भी करवाई जाती हैं, तो किस तरीके की वो शादियाँ होती हैं? क्योंकि कोई जैसे भी धर्म के अलग अलग रूल्स हैं सभी धर्मों के, तो यहाँ पर क्या रूल है? यहाँ पे ये है कि आप एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जात पात कोई मैटर नहीं करती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी किसी को लड़कियाँ नहीं मिलती हैं, किसी को लड़के नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी किसी की फैमिली ऐसी होती है कि उनको घर जमाई चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली में कोई जेंट्स नहीं होता है, लेकिन लड़की चाहती है कि अपने माँ बाप माँ की सेवा कर सकूँ, कोई अकेला होता है उनकी फैमिली में और कोई रखवाल करने के लिए नहीं होता। ऐसे ऐसे पर्सन की भी शादी होती है यहाँ पर कि जिसको घर जमाई चाहिए, जिसके घर में कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब आज के टाइम में कोई भी लड़का किसी लड़की के घर पर शादी के लिए नहीं आएगा कि भाई हम मैं घर जमाई भरने के लिए तैयार हूँ, या फिर किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसके घर में कुछ ना हो। यहाँ पर ना जात पात देखा जाता है, ना धनराशि देखा जाता है, एक नॉर्मल फैमिली वाले भी यहाँ पर हर एक पर्सन शादी कर सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है यहाँ पर आके। मैम और किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता क्या लड़की की फैमिली पे दहेज वगैरह का? नहीं, कभी भी नहीं। यही तो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे पिताजी बोलते हैं कि आप जितना सिंपल और सोवर शादी करोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना आपको पैसा लगाना है तो आप गरीबों में करो, किसी ऐसी चीज़ पे डेवलप करने के लिए पैसा लगाओ जहाँ पर आपको एक सेफ लगे कि हाँ ये तो हमारी शादी, खाना पीना ही तो है हमको, खाना पीना
करते हैं हम। दहेज क्या, दहेज कोई मांगता नहीं है, कोई मांगता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मांगते नहीं हम उसको भी बेफालतू में आज के टाइम पे हम देते हैं दहेज। बट ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको दहेज देना ही है, या फिर वो आपके मन का है कि अपनी बेटी को जो आप देना चाहते हो वो दो, ऐसा आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। जो गरीब फैमिली से है वो भी शादी कर सकते हैं यहाँ पर, जो बहुत अमीर और अच्छी खानदानी बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ पर शादी। ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपको गरीबी यहाँ पर कोई शादी करेगा। मैम समाज में आज संत जी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर? मैं ये बोलती हूँ जैसे मेरे माँ बाप की ज़रूरत है, ऐसी हर एक बच्चे को उनकी ज़रूरत है। आप सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से क्या मांग करोगे? मैं ये कहूँगी पिताजी को जितना जल्दी हो सकता है ना पिताजी को बस भेज दो, क्योंकि ना यहाँ पर हम सबको इतनी ज़रूरत है। जैसे हर एक फैमिली में एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ऐसी हमें भी बहुत फील हो रहा है कि हमारे यहाँ पे सत्संग में आए तो है लेकिन वो पहले वाला मन नहीं लग रहा है, क्योंकि घर में जब माँ बाप नहीं होते हैं तो हमारा उनके बिना नहीं मन लगता। ऐसे सत्संग में यहाँ पर आके वो मन नहीं लग रहा है जैसे हम पिताजी के सामने फील कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोगों को हमारे साथ जुड़ना हो रहा है, वो यही कहते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, साथ ही इतने मानवता भलाई के कार्य, सबसे बड़ी बात कि संस्कार और नशा से दूर रखा संत जी ने, और इसकी सिर्फ और सिर्फ संत जी वजह है, क्योंकि आज 6 करोड़ से 7 करोड़ लोगों के घरों में जो नशा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो क्रेडिट है वो सब संत जी को देते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.